रोजमर्रा के जीवन में हमने अनेकों बार लोहे पर जंग चढ़ते हुए देखा है या तांबे पर बने हुए हरे रंग के आवरण को भी देखा है। क्या आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके कारण धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापमान में अभिक्रिया करता है जिससे सोडियम ऑक्साइड की निर्मिति होती है। 4Na plus O2 gives 2Na2O। हवा के संपर्क में आते ही सोडियम धातु आसानी से जलने लगता है, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए उसे मिट्टी या तेल में रखा जाता है। Mg plus O2 gives MgO। इसे पानी में मिलाने पर यह अंशतः ही पानी में घुलती है, और अगर हम लिटमस पेपर उस मिश्रण में डुबोए तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ये इस बात का द्योतक है कि मेटल ऑक्साइड क्षार प्रकृति के होते हैं। जब धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की निर्मिति होती है। धातुओं की पानी के साथ अभिक्रियाएं की तीव्रता उनके रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर होती है। कुछ धातु रंगीन पानी में भी तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म पानी के साथ और कुछ तो भाप के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन चांदी और सोने जैसे धातु ना ही पानी के अभिक्रिया करते हैं और ना ही भाप के साथ। आइए कुछ अभिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु पानी के साथ अति शीघ्रता से और तीव्रता से अभिक्रियाएं करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर कैल्शियम पानी के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 plus ऊष्मा। 2K plus H2O gives 2KOH plus H2। 2Ca plus 2H2O gives 2COH twice plus H2। एल्यूमिनियम, लोहे और जस्ते जैसे धातु गर्म अथवा ठंडे किसी भी प्रकार के पानी के साथ अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, परंतु पानी की भाप के साथ उनकी अभिक्रियाएं होती है जिससे वे अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो जाती है। 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Zn plus H2O gives ZnO plus H2. धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधिकतर धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे लवण और हाइड्रोजन की निर्मिति होती है। धातु अपनी प्रतिक्रिया की क्षमता के अनुसार अभिक्रिया करते हैं, जैसे कुछ धातु तनु अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातु तनु अम्ल परितप्त अर्थात गर्म करने के बाद उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक होने पर धातुओं या सल्फेट या क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। इन अभिक्रियाओं में जलती हुई माचिस की तली को टेस्ट ट्यूब के मुहाने पर लाया जाता है और गैस फट का आवाज करके हुए जलती है, जिससे पता चलता है कि यह गैस हाइड्रोजन है। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रियाओं का हमारी रोजमर्रा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे साइट्रस फलों का रस, अचार और दही में से इस प्रकार के अम्ल होते हैं। जब इस प्रकार के खाद्य पदार्थ लोहे या एल्यूमिनियम या फिर तांबे के बर्तन में रखे जाते हैं तब उनमें जो अम्ल है वह बर्तन के धातु के साथ
अभिक्रिया करता है जिससे विषैले लवणों का निर्माण होता है। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तब धातुओं के नाइट्रेट लवण प्राप्त होते हैं। नाइट्रिक अम्ल के संकेंद्रण के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड्स जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात N2O, NO और NO2 की निर्मिति होती है। Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O सांद्र कॉपर नाइट्रेट। 3Cu plus 8HNO3 gives CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2O। अम्लराश नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसका बेहतर अनुपात 1:3 माना गया है। अम्लराज यह पीले रंग का, कभी कभी लाल रंग का अत्यधिक सधुम और रक्षणकारी द्रव है और क्षरणकारी द्रव है जो सोना या प्लैटिनम जैसे राज धातुओं को पिघला सकता है।